हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे प्यारे खूबसूरत से चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। आपके स्कूल एग्जाम्स को हम ध्यान दे रहे हैं। स्कूल के एग्जाम्स में कैसे सवाल आते हैं, किस डेप्थ के सवाल आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, किस तरह की डेरिवेशंस वहां पूछी जा रही है, क्या स्टेटमेंट्स वहां लिखनी है, इस तरह की बातें हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आपको फिजिक्स पढ़ाना। क्लास 11th का एजेंडा चल रहा है और ये सब काफी दिनों से साथ में डील कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स चल रही है और काइनेमेटिक्स में 1D मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं। 1D मोशन में मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सेट्रा बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली गई थी। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा हिस्सा जिसे प्रॉब्लम सेशन बोल रहे हैं, 5-7 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन और मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती है। उससे पहले मैंने एक छोटी सी बात आपको सिखाई थी, वो मैं बता देता हूँ कि अगर कभी किसी ऑब्जेक्ट को किसी हॉरिजॉन्टल लेवल से प्रोजेक्ट किया जाए, आप देखिए किसी यू वेलोसिटी से, तो यू गेट कि कोई एक प्रोजेक्टाइल जो है वो हवा में जाएगा और जाकर वापस आएगा। जब वापस आएगा तो ये वापस यहीं आएगा। बॉल बड़ी कैसे होगी, सेम साइज की होनी चाहिए, सेम साइज की है, और नीचे किसी वेलोसिटी से आ जाती है। जितनी हाइट तक मैक्सिमम ये प्रोजेक्टाइल जाता है, इट इज कॉल्ड एज एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। कितने टाइम तक ये हवा में रहता है, ये टाइम टू यू बाय जी है, जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे। एच मैक्स का जो फॉर्मूला है बेटे, वो यू स्क्वायर बाय 2g बना करता था। एसेंड का टाइम यानी ऊपर जाने का टाइम और डिसेंड का टाइम बराबर होता था, वो u by g होता था, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता था। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे, पर विशेष बात ये थी कि ये फॉर्मूलास तभी काम करते हैं जब ये पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाए। इफ द सिचुएशन इज चेंज्ड तो फिर ये फॉर्मूलास काम नहीं करते, ओनली फॉर द गिवन सिचुएशन। और कुछ भी नहीं, given situation के लिए ही hold करता है, इसके अलावा कभी hold नहीं करता। तो अगर ये given situation ना हो, तो क्या करें? तो कुछ खास ना करें। देखिए, आप एक horizontal level बनाएं। इस level पर आप इस particle को ऊपर की दिशा में project कराएं किसी u velocity से, या छोड़ें इसे। अब क्योंकि हमें ये काम नहीं करना है, तो हम इसे हटाते हैं और कोई हॉरिजॉन्टल लेवल कंसीडर करते हैं। पुरानी स्टोरी तो नहीं ना, ये एक प्रोजेक्टाइल को यहां से ड्रॉप किया गया। क्या किया गया? ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करना जब बोलेगा तो इसका मतलब आपने इसे फेंका नहीं है, यानी आपने इसे इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी। और जब आप इसे इनिशियल वेलोसिटी जीरो देंगे बेटा, तो आप पाएंगे कि इस पार्टिकल पर जी तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड्स काम कर ही रहा। ऐसा तो नहीं कि जी काम नहीं कर रहा, और ये आदमी ग्राउंड से वर्टिकली एच हाइट पर है। तो क्या ये ग्रेविटी की वजह से नीचे 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 आता जाएगा और इवेंचुअली आके किसी ना किसी बी वेलोसिटी से टकरा जाएगा? तो जवाब है हाँ। दो बातें आपसे बेटा पूछी जाती हैं, ये बी वेलोसिटी विद विच पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, इसको वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड भी बोलते हैं। और दूसरी बात, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर हवा में पार्टिकल रहा। और अब अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट का वो फॉर्मूला अप्लाई करें जो फॉर्मूला आपने पहले प्रूफ किया है, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इस बार हमारा पार्टिकल ग्राउंड से प्रोजेक्टेड और ग्राउंड पर दोबारा लैंडेड नहीं है। ये ऊपर से प्रोजेक्ट किया गया है और ग्राउंड पे लैंड हो रहा है। ऐसे समय में सवाल को लगाने की जो स्ट्रेटेजी है बेटा, स्ट्रेटेजी बिल्कुल फिक्स है और आपको वो भूलनी नहीं है कि जहां से प्रोजेक्ट किया वो ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर की डायरेक्शन बच्चा पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। ध्यान रखें, जहां से प्रोजेक्ट किया वो पॉजिटिव और सॉरी जहां से प्रोजेक्ट किया वो ओरिजिन, और ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे
नेगेटिव, ये कन्वेंशन अगर आप याद रखेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, विशेष याद रखिएगा। अब आप क्या करें, अब आप देखें कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी। सब जी होता है, जी नीचे है और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है तो माइनस इंडिकेट्स द डायरेक्शन। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बातें करूं तो तुम कहोगे कि सर पार्टिकल यहां है और यहां आ गया तो टोटल h डिस्प्लेस हो गया, और हम कहेंगे नहीं नहीं माइनस h डिस्प्लेस हो गया, ताकि ये भी पता रहे कि पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें बच्चों, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चे माइनस h है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चा जीरो, एक्सेलरेशन की जगह माइनस g लिखेंगे और ये लिखेंगे t स्क्वायर। फिर हमारे पास आता है h इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ g t स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2h अपॉन g इक्वल टू t स्क्वायर आएगा। तो t का जो फॉर्मूला है बेटा वो स्क्वायर रूट ओवर 2h / g बन जाएगा, और यहां से आपको डायरेक्टली नजर आएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बन गया, या सो कॉल्ड इस पर्टिकुलर केस में कितना टाइम लगेगा उसका आंसर आ गया। तो आप देखें कि व्हेन यू चेंज द कंडीशन तो वो फॉर्मूलास काम नहीं करते जो स्टैंडर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूलास हमारे बुक में मिलते हैं, और जब केस बदल दिया जाता है तो बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हैं कि कैसे लगाना है। तो ध्यान रखें दीस काइनेमेटिक इक्वेशंस, जो चार हमने इक्वेशन पढ़ी हैं, ये हमेशा यूजफुल है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये काम करेंगी ही करेंगी, इस वजह से ऐसे केस में ये। अब बात आती है कि सर वो फाइनल वेलोसिटी के बारे में बता दो, तो हमने कहा ठीक है फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करो, v इक्वल टू u प्लस a टाइम्स t। फाइनल वेलोसिटी कितनी है पता नहीं, पर इनिशियल तो जीरो थी, एक्सेलरेशन माइनस g है, और टाइम की वैल्यू बच्चा हम निकाल चुके हैं, दैट इज नथिंग बट 2h / g। आप माइनस को बेटा बाहर रखो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप g को ले जाओगे तो शायद स्क्वायर बन के जाएगा, तो ये g एक g को निपटा देगा, तो v का फॉर्मूला बनेगा माइनस स्क्वायर रूट ओवर 2gh। आप चाहें तो ये बचपन में फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था, वहां से कंफर्म कर सकते हैं। फिलहाल ध्यान दें कि दिस माइनस इंडिकेट्स नेगेटिव डायरेक्शन ओनली, स्पीड रूट टू जी एच है, लेकिन वो माइनस बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन टू बी एज नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आए आगे बढ़े। अब फिर वही कहानी है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लेवल है, हमारे पास कोई एक हाइट है जिसे हम बता रहे हैं कि शायद h है। इस h हाइट से मैंने यहां से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी u, तो कॉमन सेंस है कि ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर वापस आएगा, आएगा 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 और यहां पर टकराएगा किसी v वेलोसिटी से। मुझे नहीं पता ये वेलोसिटी कितनी, बस इतना पूछा जा रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड क्या होगी, ये बताइए। बताने के लिए आप सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, फिर से कोई पुराना एजेंडा है जो दिमाग में रखना है, और वो एजेंडा ये है कि जहां से फेंका जाए वो ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। जहां से फेंका गया, कहां से फेंका गया, तो कहां से फेंका गया, यहां से फेंका गया। जहां से फेंका गया वो ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर बच्चों पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे बच्चों नेगेटिव, ये दिमाग में रखना है, ठीक है मेरी बात। हां इनिशियल कंडीशन ये है बच्चा और फाइनल कंडीशन ये है बच्चा। तो अगर तुमसे कोई कहे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल से फाइनल तक की लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बात खत्म हो गई। ऊपर की जर्नी कोई काम की नहीं है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में ही डिस्प्लेसमेंट पाई जाती है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट माइनस h, आपको देखना है। अच्छा, इस पार्टिकल पे ग्रेविटी काम कर रही है क्या, तो जवाब है हां, ग्रेविटी तो हमेशा काम कर रही है, दैट इज माइनस g एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑलवेज। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखेंगे माइनस h, एक्सेलरेशन दैट इज माइनस g। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी तो तुम कहोगे ऊपर की तरफ फेंका गया है, इसलिए प्लस q। काम की तीनों चीजें मेरे पास हैं, मैं चाहूं तो टाइम निकालूं, चाहूं तो वेलोसिटी, जैसे मर्जी वैसे काम हो सकता है। चलिए आइए करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, यही तो है। डिस्प्लेसमेंट बच्चा माइनस h है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये t है, एक्सेलरेशन बच्चा माइनस g है, इसको t स्क्वायर लिख लीजिए। फिर आप हाफ gt स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाइए तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ut को भी ले जाइए तो नेगेटिव बन जाएगा, माइनस h तो चल ही रहा था। अब ये t में क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, अब इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन t। हम यहां लिख देते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, किसमें बेटा, t में क्वाड्रेटिक। और जब ये इक्वेशन अच्छा t में क्वाड्रेटिक होगी तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे a कंपेयर करो तो शायद आ रहा है हाफ ऑफ g, b कंपेयर करो तो आ रहा है माइनस u, c कंपेयर करो तो आ रहा है माइनस h। तो मेरे पास टाइम के जो दो रूट्स आने वाले हैं,
वो होंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और होल अपॉन टू ए। अगर ये चीज दिखाई देती है बच्चा तो फिर अपने टाइम के रूट्स निकालें। माइनस का मतलब माइनस माइनस प्लस यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब माइनस यू का होल स्क्वायर माइनस फोर फोर ए वन बाई टू जी और सी की जगह बच्चा माइनस एच है तो पुट माइनस एच माइनस माइनस प्लस हो गया और अपॉन टू ए, ए का मतलब वन बाई टू जी। आपको इससे एक आंसर होता दिखाई दे रहा है तो टाइम का वैल्यू आती है यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर। अच्छा माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो पॉजिटिव ही आना है तो टू से इसको काटोगे तो टू आएगा तो प्लस टू जी एच अपॉन जी की टाइम आ रहा है। दो तरह के टाइम हमारे पास मौजूद है, एक पॉजिटिव टाइम मौजूद है एक नेगेटिव टाइम मौजूद है और आप कहेंगे नेगेटिव टाइम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है पॉजिटिव टाइम का सिग्निफिकेंस है। इसका दूसरा लॉजिक ये भी है कि दो टाइम के रूट्स इसलिए नहीं हो सकते द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड ओनली फॉर वंस, एक बार ही ये पार्टिकल ग्राउंड से टकराया इसके बाद नहीं टकराया। क्या एक पॉइंट से गुजरने में से दो बार जाना पड़ा? अगर मैं इस पॉइंट की बात करता तो एसेंट के टाइम भी इस पॉइंट से गुजर रहा है और डिसेंट के टाइम भी इस पॉइंट से गुजर रहा है तो इस पॉइंट के लिए तो शायद टाइम की दो वैल्यूज आती, शायद नहीं आती ही आती, टाइम के दो रूट्स आते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं लेकिन इस पॉइंट पर एक ही बार टकरा रहा है इसलिए हम नेगेटिव रूट को ऑमिट करेंगे क्योंकि नेगेटिव रूट नेगेटिव टाइम का कोई लॉजिक नहीं है पॉजिटिव होगा। तो जब नेगेटिव लिया गया है तो हम इतने हिस्से को इग्नोर करेंगे ठीक। तो हम यहां क्या लिखेंगे बच्चा गौर से देखें, यहां लिखेंगे ऑमिट नेगेटिव रूट क्योंकि एक ही बार मेरा पार्टिकल ग्राउंड से हिट किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज योर टाइम। अच्छा टाइम निकल आया? जी हाँ टाइम निकल आया। इसका कोई आंसर तो नहीं है, आंसर होगा भी कैसे जब सारी की सारी वैल्यूज तुमने वेरिएबल में ले रखी हैं तो फिर आंसर कैसे आएगा? ये फॉर्मूला ही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है मेरी बात? अब बात आती है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड क्या वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों गौर से देखें, वेलोसिटी के लिए काम किया जाता है p equal to u plus a times t। तो वेलोसिटी u तो u ही रहेगा, एक्सेलरेशन की जगह बच्चा माइनस डी लिख सकते हैं और टाइम तो हमने अभी निकाला कि टोटल टाइम कितना बीता, तो हमारा टोटल टाइम बीत रहा है u plus square root over u square plus 2 gh ऐसा कुछ और whole upon g। अब ये g से g कैंसिल होता है बच्चा तो u minus ब्रैकेट को खोल सकते हैं क्योंकि डिवाइड में कोई चीज है नहीं कोई फैक्टर तो बचता नहीं तो माइनस और फिर ये भी माइनस और शायद ऐसा पता चलता है कि u square plus 2 gh नेगेटिव में आता है ये कट गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है माइनस स्क्वायर रूट ओवर u square plus 2 gh, पहले से थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी और लॉजिक भी है कि हम उसे तेजी से फेंक रहे हैं। सर फेंको ऊपर रहे थे? हाँ ऊपर फेंक रहे थे लेकिन ऐसा तो सोच सकते हो कि जिस वेलोसिटी से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है सेम लेवल पर आने में उतनी ही वेलोसिटी पार्टिकल की हो जाती है। और अगर सोचो पहले हमने ड्रॉप किया था और अब यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो लॉजिकली यहां की वेलोसिटी में इसका फैक्टर तो आना चाहिए तो वो आ गया। ये वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड है। खास बात क्या है? दिस नेगेटिव साइड इंडिकेट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट करती है। तो इस तरह से आपके पास दो मैंने सवाल कराए आपको जिनमें ये इंश्योर होता है कि अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन बदल जाए तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलास काम करें, ये कोई जरूरी नहीं। स्टैंडर्ड इक्वेशंस कौन सी हैं? यही फर्स्ट सेकंड थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशंस जो हमेशा केस बदल बदल कर काम करती रहेंगी, ये कभी धोखा नहीं देंगी। और जो इंटरमीडिएट फॉर्मूलास मोशन डेरिवेटिव वगैरह के लिए बनाए जाते हैं सम टाइम द डिच, और कब डिच करते हैं? जब हमारा केस बदल जाता है। तो इफ द केस चेंजेस तो कॉशियसली ऐसे कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करना है। क्लियर मेरी बात? चलिए आगे बढ़े, आज एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम्स मैं आज कराऊंगा आपको चार पांच, वही हमें आज करनी है, वही एजेंडा है, इसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों जीरो एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हालांकि मैंने पहले ही बोला कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम्स करा रहे हैं बट वेन यू रीड कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इट सेज कि भैया जो इक्वेशंस आपने चार पढ़ रखी हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस वो एप्लीकेबल हैं। इफ द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन और आप गारंटी नहीं कर सकते कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो फिर वो इक्वेशंस काम की नहीं है। इसलिए स्टेट किया गया है सवाल में कि हाँ उसे इस्तेमाल कर लो।
देन द कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर्स पर सेकंड, यानी जो जनरल टाइम की वेलोसिटी है वो 50 मीटर्स पर सेकंड है। और कितने टाइम में ये सारा तमाशा हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि 25 सेकंड्स में ये सारी बातें हो जा रही है। तो हमने कहा ठीक है 25 सेकंड्स में होंगे। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन में मेरे पास दो तरह की इक्वेशंस है। तो पहली इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन जो है बेटा वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशंस मेरे काम की, ये सॉरी दो इक्वेशंस जो हैं इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट आता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए निकाल सकते हैं। इफ आई एम सपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इक्वेशन सेकंड, तो अगर ये वाली इक्वेशन देखोगे तो मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता, और एक्सेलरेशन नहीं पता तो मैं इसमें से s नहीं निकाल सकता। सेकंड इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन मिसिंग है तो मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकता। तो एजेंडा इस बात पर आ गया कि अगर मुझे इन दोनों इक्वेशंस में से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे पहले एक्सेलरेशन को पिक करना पड़ेगा कि कितना है। अच्छा तो एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर फोकस करो, v इक्वल टू u प्लस at। वेलोसिटी फाइनल कितनी है बच्चा 50, u कितना है 0, एक्सेलरेशन मालूम नहीं, समय कितना लगा 25। तो तुमने कहा कि 50 इक्वल टू 25 a, 25 2, a की वैल्यू कितनी है बच्चा 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। यू हैव फाउंड एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन पता चल गया तो जस्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, इससे ज्यादा तो कुछ उसमें है नहीं। चलो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टर्म 0 ही हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चा 2 आ रही है, और टाइम 25 सेकंड्स का स्क्वायर कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 25 का स्क्वायर करोगे 625 आएगा, 625 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिए सवाल आसान है, बस आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब 11th क्लास में 9th 10th वाला सीन नहीं बचा है, यानी जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी जाएंगी वो डायरेक्ट फार्मूले में इस्तेमाल हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि कोई ऐसा टर्म हमारे फॉर्मूले में फंस रहा हो जो प्रोवाइडेड नहीं है प्रॉब्लम में, और हमें ये एस निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़े। तो इसका मतलब जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं वो एनी हाउ इस ए को निकालने में, जो अननोन क्वांटिटी है उसे निकालने में मदद कर रही होंगी, और जब ये निकल आएगा तो जो चीज पूछी है वो भी निकल आएगा। तो टू स्टेप प्रोसेस टाइप क्वेश्चन बना दिया गया है, और इसी वैरायटी के क्वेश्चन को प्रेफर किया जाता है जब बोर्ड एग्जाम्स देखते हैं या स्कूल एग्जाम्स देखते हैं, जब बोर्ड लेवल की बुक्स हम देखते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं कि लो लेवल क्वेश्चंस, ऐसा नहीं होता। बस वहां पर प्रॉब्लम बनाने का तरीका ये है कि टू स्टेप प्रोसेस है, एक चीज कहीं से कोई क्वांटिटी निकालो फॉर्मूले में पुट करो और उसके बाद आंसर निकालो, ये दो स्टेप का प्रोसेस है, और इसी तरह की प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपको कराई जाती है। अगले सवाल पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक पार्टिकल है that starts rectilinear motion with initial velocity 5 meter per second. First of all, do not get confused with rectilinear motion. Rectilinear का मतलब हमें straight line ही पकड़ना है. Although this rectilinear motion is not always a straight line motion, पर आपको फिर भी इसे फिलहाल straight line समझना है. Initial velocity को अगर आप देखें, तो वो 5 meter per second दी हुई है. Data collect करते जाइए, काम करते जाइए. Collect करेंगे data तो initial velocity बेटा 5 meter per second, जैसे 5 meter per second note करें. डेटा नोट करने की आदत न्यूमेरिकल में होगी तो गलतियां नहीं होगी। आगे देखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यूनिफॉर्म दिया है तो इक्वेशन इस्तेमाल होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो कोई भी इक्वेशन इस्तेमाल नहीं होगी। इंटीग्रेशन मेथड इज द ओनली सॉल्यूशन। फिलहाल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया है, जस्ट नोट डाउन कि एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। डेटा नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा हाउ मच डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस की बातें कर रहा है, ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकंड्स, इन 10 सेकंड। गौर से देखें, ये चीज SN पूछी गई है और ये चीज SNH पूछी गई है। 0 से 10 में कितना डिस्प्लेसमेंट है और 9 से 10 में कितना डिस्प्लेसमेंट है, पर्टिकुलर 1 सेकंड का सेकंड पार्ट में और 10 सेकंड का फर्स्ट पार्ट में पूछा गया। दोनों के फॉर्मूला हमें आते हैं, हम 2 मिनट में इन्हें लगा के किनारे कर देंगे। देखिए बेटा, पार्ट ए पर जंप कर रहे हैं। पार्ट ए में पूछा 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, SN का फॉर्मूला होता है UN plus half of AN square, S equal to UT plus half of AT square, N की जगह T रख दिया, कुछ खास नहीं। Initial velocity बच्चा कितनी दी हुई है, शायद 5, time वो कह रहा है कि 10 second में, acceleration बच्चा दे रखा है शायद 2 meter per second square, और उसके बाद time की value 10 है, तो इसको square लगा दीजिए, ये दो कट गए, मेरे हिसाब से आंसर आया 50, और यहाँ 10 का square 100, मिला जुला के जो displacement है, वो 150 meters आ रहा है, 10 second का displacement। इसके बाद वो ये कहेगा कि SNH बताओ, यानी पर्टिकुलर उस 10th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो 10th सेकंड में कैसे निकालेंगे, तो मैंने आप लोगों को SNH का एक फार्मूला लिखाया हुआ है, उसका फार्मूला है
u plus a by 2, 2n minus 1. इनिशियल वेलोसिटी बच्चा 5 है, एक्सेलरेशन 2 है, अंदर 2, और 10वें सेकंड में बात कर रहा है तो n की वैल्यू तो 10 ही रखनी पड़ेगी, क्या रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये आया 5, और फिर प्लस 10 to 20 minus 1, तो शायद ये बन गया है 19, और प्लस लगा हुआ है, तो 5 plus 19, तो मिला जुला के ये हो गया 24 meters, तो 10th सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट चलता है, 24 meters चलता है, तो गौर से देखें, ये सवाल जो है, वो बेसिकली आपको इन दो टर्म्स में, कौन से टर्म में, कि 10 seconds और 10th सेकंड में जो डिफरेंस है, ये समझाने के लिए मात्र किया गया, ये सवाल इसलिए किया गया कि अगर आप कभी ऐसे शब्द आए तो कॉशियसली इन दोनों बातों को पढ़ें और कॉशियसली से समझें कि कौन सा 10th सेकंड है और कौन सा 10 सेकंड, यानी कौन SN है और कौन SNth है, इसलिए प्रॉब्लम आपके सामने लाया गया, पर्पस भी समझते चले ताकि याद रहे कि हमें क्या चीजें याद रखनी है, क्या चीजें पे गौर करना है। अ बॉडी moving in a straight line under a constant acceleration, again provided the constant acceleration, covers a distance of 12 meter in second. 12 meter का displacement है, ठीक है, लेकिन 2 seconds में नहीं है, second में है, यानी ये जो चीज दी हुई है, ये SNth दी हुई है, फिर कह रहा है, और 20 meter का displacement, again, 4th second में, 4 second नहीं है, 4th second है, यानी ये भी SNth दिया गया है, आप देखें कि SNth का जो फॉर्मूला है, अभी मैंने आपके सामने बच्चा लिखा था u plus a by 2 2n minus 1, अब आप क्या करें कि 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो तब है जब u और a का तो मुझे नहीं पता पर दोनों ही जर्नीज के लिए u और a सेम ही रहा होगा क्योंकि जर्नी तो एक ही है, तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस के लिए सेम और एक्सेलरेशन भी दोनों के लिए सेम, पहले वाला कह रहा है सेकंड सेकंड में तो मैंने ऐसे लिख लिया, दूसरा वाला कह रहा है 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है u और a सेम रहेगा, 2 into कौन सा सेकंड, 4th सेकंड, तो n की वैल्यू 4 लिखी, माइनस 1 कर दिया। अब बच्चों दो इक्वेशन दो वेरिएबल का केस रह गया, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा है बच्चों 12 टंटंग, ये लिखा है u plus a by 2, उसके बाद 2 to the 4, 4 minus 1 that is 3, तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चा आपके लिए 3, इसी प्रकार से बेटा आप इसे सॉल्व करेंगे तो 20 equal to u plus a by 2, 2 4s are 8 minus 1 that is 7, तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं बच्चों, दो इक्वेशंस कौन सी है गौर से देखें, u plus 3 by 2 a equal to 12 और यहां है बच्चा u plus 7 by 2 a equal to 20, मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर रहा हूं जानबूझकर, जब मैं बेटा माइनस करूंगा तो u कट जाएगा, आप u को निपटा दीजिए और अपने आंसर्स लिखना शुरू करिए, तो हम लिखेंगे 3 by 2 ठीक है माइनस 7 by 2 और ब्रैकेट में कॉमन ले लिया a, फिर यहां लिखा 12 minus 20, तो आपको ऐसा लगा कि इसमें से 2 कॉमन आ गया, ये 3 minus 7 है और ये a है और यहां आ रहा है minus a, अब 3 में से 7 minus करोगे बच्चा तो आएगा minus 4 by 2 times a equal to minus 8, शायद यहां से यहां कटेगा तो 2 आएगा, minus minus कटेगा 2 से a कटेगा तो 4, acceleration comes out to be 4 meter per second square और आपके पास ये acceleration। अब इस acceleration को अगर मैं first equation में इस वाली equation में put कर दूं तो मैं लिखूंगा 12 equal to u plus 3 by 2 times a, a is nothing but 4, इससे काटोगे तो ये 6, 12 equal to u plus 6, तो u की value फिर से आई 6 meters per second, आपने क्या निकाल लिया बच्चों, आपने initial velocity और acceleration दोनों निकाल ली, ये भी हमारा आंसर है, ये भी पूछा गया था और ये भी हमारा आंसर है, ये भी पूछा गया था, बड़ा ही आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं, इसी क्वेश्चन से धीरे-धीरे होते चले जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं। आइए देखिए आगे अगला सवाल क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर और हाइट h मीटर, इट रीचेस द अर्थ सरफेस आफ्टर टाइम t, व्हाट इज इट्स पोजीशन आफ्टर t / 3 सेकंड्स, t टाइम में ये अर्थ की सरफेस पे गिर जाता है तो t / 3 टाइम में कहां होगा, चलो देखते हैं, h हाइट का टावर यहां से इसे ड्रॉप किया गया, ड्रॉप किया गया तो मतलब ये निकल के आया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है, इट रीचेस द अर्थ इन सम टाइम t, मुझे नहीं पता कितना पर टाइम तो t है, तो एक काम करो s = ut + ½ of at² लगाओ
और डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखो माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो, एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी एंड टी स्क्वायर। तो यू बेटर नो कि टी की जो वैल्यू है वो आ रही है अंडर रूट टू एच अपॉन जी, ये आ रहा है बेटा टाइम की वैल्यू। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा, बड़ा अच्छा है, टाइम तो निकल गया मतलब इतने टाइम में आ जाता है। तो कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल एट टी बाय 3 टाइम, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, दोबारा रखें तो डिस्प्लेसमेंट ही तो मुझे निकालनी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन माइनस जी, और टाइम की जगह टाइम ही रखना है, टाइम की जगह टी बाय 3 रखना है। तो टी बाय 3 का क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर, ये माइनस 1 बाय 2 जी, और देखोगे गौर से तो 1 बाय 3 का जब स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और सामने लिखा होगा बेटा टी स्क्वायर। अच्छा टी कितना था वो हम निकाल चुके, तो जब हम निकाल चुके तो हम लिखेंगे अंडर रूट 2 जी इंटू 1 बाय 9 इंटू टी स्क्वायर की जगह देखोगे तो लिखोगे 2 एच बाय जी, जी से जी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एंड यू नो कि तुम्हारा आंसर आ रहा है माइनस एच बाय 9, ये आंसर आ रहा है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। खास बात क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम जहां से प्रोजेक्ट करते थे उसे ही ओरिजिन मानते थे, यानी सारी दूरियां ग्राउंड से नहीं, जहां से प्रोजेक्ट की गई हैं वहां से नापी जाएंगी। अगर वहां से सारी दूरियों को नापा जाता है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जो ओरिजिन है बच्चा वो ये है, ऊपर की डायरेक्शन बच्चा पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन बच्चा नेगेटिव है। अच्छा, यानी ये जो h by 9 नेगेटिव आया है वो h by 9 तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आया है, ग्राउंड से कितना होगा, ग्राउंड से होगा टोटल हाइट माइनस h बाय 9, तो देखोगे तो आएगा 9h माइनस h बाय 9, तो दिस बिकम्स 8 बाय 8h बाय 9। तो मैं कहूंगा कि h बाय 9 फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड 8h बाय 9 फ्रॉम ग्राउंड, ये पार्टिकल के t by 3 पर पोजीशन है। खास बात क्या होती है कि ऑप्शन अगर क्वेश्चन में है तो फ्रॉम ग्राउंड उसने आंसर लिख रखा है, और आप जब काइनेमेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए तो आप टॉप मोस्ट पॉइंट से निकाल रहे हैं, तो आपको दोनों बात पता होनी चाहिए कि या तो वो यहां से आंसर लिख कर देगा या तो वो यहां से आंसर लिख कर देगा, ठीक है ना, या तो वो ऊपर से नीचे आंसर लिख के देगा या तो वो नीचे से ऊपर आंसर लिख के देगा, दोनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट। आज का आखिरी सवाल है, मैं इसके बाद क्वेश्चंस नहीं लूंगा। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर्स, बिल्कुल प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप चाहे तो स्क्रीन रोकिए, पॉज करिए और खुद से लगाइए, बड़ा आसान है, आपसे हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम मैंने वेरिएबल्स में कराया, आज की वीडियो आप पढ़कर आ रहा है। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल हिट द ग्राउंड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहला वाला पार्ट मैं आपके लिए कर देता हूं कि लेट्स से ग्राउंड यहां पर है और पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, व्हेनेवर अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड इट्स इनिशियल वेलोसिटी बिकम जीरो, और एक्सेलरेशन तो बच्चा जी ही काम कर रहा है, ये जो दूरी है ये 125 मीटर्स की है, फिर अगेन जहां से ड्रॉप किया गया है वो ओरिजिन है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन बच्चा नेगेटिव है। तो इफ यू सी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर मैं लगाऊं इसमें तो आपके लिए मैं -125 का डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी लिख रहा था, मैंने माइनस साइन लगाया, जी की जगह वैल्यू लिख दी 10, टाइम का अंदाजा नहीं है तो ऐसे लिखा -125 इक्वल टू -1/2 टाइम्स 10 टाइम्स टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा बच्चा 250 इक्वल टू 10 टी स्क्वायर, इससे इसको काट दोगे तो टी की वैल्यू बेटा 25 का रूट यानी कि 5 सेकंड्स आने वाले, सर प्लस माइनस 5 आने वाली है, बेवकूफ मत बनो, माइनस साइन जो है वो टाइम में ही नहीं होता, टाइम की नेगेटिव वैल्यू का सेंस नहीं, आप उसे छोड़ सकते हैं, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को मैंने पिक किया। देखें आगे, टाइम आपने निकाल लिया, कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, हम कहेंगे यार एवरेज वेलोसिटी ना होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही तो होती है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें तो -125 मीटर की है, एंड व्हाट इज द टोटल टाइम, टोटल टाइम इज 5 सेकंड्स, आप लिखेंगे -25 मीटर पर सेकंड के ऑन एन एवरेज इस कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल चलकर आता तो भी इतना ही टाइम लेता, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एवरेज वेलोसिटी। तो आपने आज सीखे
ये 5 सवाल, इसके अलावा 4 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चंस की आज हमने प्रैक्टिस की है बहुत छोटे टाइम में, जिसमें आपको मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन कराया है और हर वैरायटी के क्वेश्चन के साथ आपको बताया है कि ये प्रॉब्लम्स आखिर आपके बुक में डाली किस पर्पस से गई है, और आज के वीडियो लेक्चर में भी हमने प्रॉब्लम किस पर्पस के साथ आपको कराई है, केसेस बताए, और ये भी बताया कि मोशन डेरिवेटिव के फॉर्मूला कहां वॉयलेट कर जाते हैं, कहां डिच कर जाते हैं, वहां पर हमें कॉशियसली काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन कैसे यूज करने, इसका भी डिस्कशन आज हमने किया। फिलहाल वीडियो का आज अंत करते हैं, यहां पर लेक्चर को खत्म करते हैं। अगेन एंड अगेन मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमें पूरे साल फॉलो करिए, आपको पूरे साल का कोर्स इसी प्लेटफॉर्म पे वेल डिटेल्ड और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी का मेरी टीम कराएगी। और मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, आईआईटी कानपुर से पढ़कर आए, परेशान होने की जरूरत नहीं, डिटेल में फिजिक्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ेंगे, आरटी एकेडमी पर पढ़ेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में काइनेमेटिक्स।